और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक गलती की है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे लेकिन उन्होंने युद्ध बंद करा दिया, युद्ध 3 दिन और चलता तो पूरा कश्मीर हमारा होता, पीओके ही वापसी को वापस लेना बाकी है, हम इसे वापस लेकर ही रहेंगे। ये कहना है मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तो एक बार फिर से वो कांग्रेस के बड़े नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए और उन्होंने ये दावा तक किया कि अगर 3 दिन और युद्ध चलता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। आपको सुनवाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपने ऐतिहासिक भूल की थी, हमारी सेना लड़ रही थी पाकिस्तानियों के खिलाफ लेकिन आपने युद्ध विराम कर दिया, 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता और केवल पीओके वापस लेना बाकी और वो हम लेके रहेंगे। देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस के सिर पर है, धारा 370 डॉक्टर अम्बेडकर ने मना किया, कौन है धारा 370 से, कौन है दो निशान दो विधान दो प्रधान का प्रावधान किया, ये पाप भी किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कांग्रेस ने, और उस पाप को समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार।